कांग्रेस और कांग्रेसी नेता सुधीर शर्मा जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेसी नेता सुधीर शर्मा प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा माना जाता है और साथ ही कद्दावर नेता भी। कांगड़ा में कांग्रेस की राजनीति और विवाद का चोली दामन का साथ हो चला है। आपको याद होगा भूतपूर्व मंत्री जीएस बाली के बयान मीडिया में लगातार सुर्खियां बनते थे और बाली हमेशा संभावनाओं की तलाश में राजनीति करते हुए देखे गए। कभी तीसरे मोर्चे की संभावना तो कभी कांग्रेस में उलटफेर या फिर 2017 में भाजपा में जाने की अटकलें और फिर कांगड़ा से कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री चेहरा। वो जितनी देर रहे कांगड़ा में राजनीति को हमेशा उन्होंने गरमाए रखा। अब वीरभद्र स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकल कर आए सुधीर भी हमेशा बाली को विवादित बयानों से लेकर राजनीति तक हमेशा टक्कर देते आए हैं। सुधीर की राजनीतिक पारी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वीरभद्र का दिमाग और उन जैसी शरारत सुधीर शर्मा में हमेशा नजर आती है। कांगड़ा की राजनीति में बात चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, बिना सुधीर के पूरी ही नहीं होती। कांगड़ा के मौजूदा माहौल में भाजपा इस बात से हमेशा चिंतित रहती है कि कहीं सुधीर कांग्रेस से भाजपा में ना आ जाए। वहीं कांग्रेसी भी सुधीर की उपस्थिति में कुछ तो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तो कुछ की स्थिति सुधीर को लेकर डर वाली भी है। लेकिन कद ऐसा है कि जहां भी रहेंगे शीर्ष नेतृत्व में गिना जाना तय है। कांगड़ा में आज भी राजनीतिक गलियारों में बाली की चर्चा रहती है और पार्टी को उनकी कमी भी खलती है। लेकिन राहत यह है कि कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक गतिविधियों के चलते सुधीर शर्मा जरूर उनकी कमी को इसलिए भी पूरा कर देते हैं क्योंकि सुधीर ने जहां प्रदेश की राजनीति वीरभद्र स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से सीखी है तो कांगड़ा की राजनीति के भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो, यही माना जाता है। क्योंकि उनकी दोस्ती और राजनीतिक दुश्मनी कांगड़ा के दिग्गज नेता रहे जीएस बाली से ही रही। आज अपने जन्मदिवस के मौके पर एक बार फिर सुधीर शर्मा ने अपना दम खम दिखा दिया। बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के बहाने उन्होंने धर्मशाला की राजनीति को गर्मा कर रख दिया है और अपने विरोधियों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि भाजपा ने भी सुधीर शर्मा को घेरने के लिए राकेश चौधरी की एंट्री करवा ली है, लेकिन पार्टी के अंदर का कलेश भी यहां सुधीर के लिए राजनीतिक संजीवनी से कम नहीं है और स्मार्ट सिटी को धर्मशाला के लोग शायद कभी भूल ही नहीं सकते, ऐसा सुधीर शर्मा कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि नेता की हार के बाद ही जनता को नेता की वैल्यू का पता चलता है। जैसे कि नगरोटा में बाली की हार से जनता ने सीख ली, वैसे ही धर्मशाला ने भी अब मन बना लिया है कि नेता चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में अपने लोगों के काम कभी नहीं रुकने देता है। सुधीर ने कहा बेशक चुनाव हार गया लेकिन धर्मशाला की जनता को कभी निराश नहीं होने दिया और जब भी जिसने भी आवाज़ लगाई पहुँच गया। कैसा लगा हमारा विश्लेषण आप अपनी राय ANV के कमेंट बॉक्स में जाकर दर्ज करवा सकते हैं।